देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हाल ही में मुंबई के एक हॉस्पिटल में हुई उनकी आंख की सर्जरी असफल होने के बाद उन्हें इमीडिएट इलाज के लिए अमेरिका रवाना होना पड़ा है। 29 जुलाई को शाहरुख खान ने अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए मुंबई के एक अस्पताल का रुख किया था, लेकिन सर्जरी की सीरियसनेस को देखते हुए उन्हें तुरंत ही अमेरिका ले जाने का फैसला किया गया। प्रभास जल्द ही फिल्म द राजा साहब के जरिए ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करते नजर आएंगे। वहीं अब राजा साहब से प्रभास की पहली झलक सामने आ गई है। बता दें कि द राजा साहब एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कमाल के विजुअल देखने को मिलेंगे। सामने आए वीडियो में प्रभास का धांसू अवतार दिख रहा है और ये फिल्म अगले साल 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसे आदित्य धर निर्देशित करने वाले हैं। वहीं अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में एक्टर मेकअप चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ब्लैक टी शर्ट, पैंट और सनग्लासेस भी पहने हुए हैं। बता दें कि फिल्म को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या के बेटे अगस्त्य का आज यानी 30 जुलाई को बर्थडे है। वहीं हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे के साथ बिताए कुछ पल का वीडियो शेयर किया है और अपने लाडले बेटे को बर्थडे विश किया है। क्रिकेटर ने वीडियो शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा, यू कीप मी गोइंग एवरी सिंगल डे, हैप्पी बर्थडे टू माई पार्टनर इन क्राइम, माई होल हार्ट लव यू बियॉन्ड वर्ड्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी एक्टिंग और फिटनेस के अलावा अपने फैशन सेंस को लेकर भी सोशल मीडिया में छाई रहती हैं। अब एक्ट्रेस ने अपने कुछ लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं और इन तस्वीरों में वो एक मैचिंग बीड्स बॉर्डर वाली ट्रांसपेरेंट गोल्डन साड़ी में नजर आ रही हैं और उन्होंने इसके साथ मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज भी पहना है। वहीं फैंस ने उनके इस लुक की कॉमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ की है। बॉलीवुड का स्टार कपल अली फजल और ऋचा चड्ढा अपने बेबी बर्थ के बाद पेरेंटहुड को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं अब ऋचा चड्ढा के साथ ही उनकी न्यू बॉर्न बेबी की झलक भी देखने को मिली है। दरअसल एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ये फोटो शेयर किया है और इस तस्वीर में ऋचा चड्ढा के साथ शबाना आजमी, उर्मिला मातोंडकर, दिया मिर्जा भी नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर को शेयर कर शबाना आजमी ने लिखा, खाला और न्यू मॉम के साथ। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक हॉट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में प्रियंका ने व्हाइट कलर की बिकिनी पहनी है और समुद्र के किनारे एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही है। एक्ट्रेस का यह हॉट वीडियो देख यूजर्स उनके दीवाने हो गए हैं और कॉमेंट बॉक्स में जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। अक्षय कुमार आने वाले दिनों में फिल्म खेल खेल में नजर आने वाले हैं। वहीं अब इस फिल्म का नया गाना दूर ना करी रिलीज हो गया है, जिसमें अक्षय और वाणी का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है। बता दें कि दूर ना करी को विशाल मिश्रा और जहरा एस खान ने आवाज दी है। वहीं खेल खेल में फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों का रुख करेगी। अभिनेता संजय दत्त ने 29 जुलाई को अपना 65th बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उन्होंने खुद को गिफ्ट में एक नई गाड़ी दी है। दरअसल उन्होंने ब्लैक कलर की एक नई चमचमाती रेंज रोवर खरीदी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। वहीं संजय का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपनी नई गाड़ी में मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है। एक्ट्रेस सनी लियोनी अपनी अपकमिंग फिल्म कोटेशन गैंग को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं और इस फिल्म के निर्देशन की कमान विवेक कुमार कनन ने संभाली है और दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में अपनी एक्टिंग का तड़का लगाते नजर आएंगे। वहीं अब फिल्म का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें सनी का धांसू अवतार देखने को मिल रहा है। बता दें कि ये फिल्म 30 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।